बद्दी विश्वविद्यालय ने अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के तहत होटल राजमहल मंडी में 2022 का एडमिशन प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया। बद्दी विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े फार्मा औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वीवी का स्कूल ऑफ फार्मेसी उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। बद्दी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट स्कूल के डीन डॉक्टर अरुण कांत पेनोली ने वीरवार को मंडी में आयोजित लॉन्चिंग के दौरान पत्रकार वार्ता में बताया कि विश्वविद्यालय की अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के तहत इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को 9,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति दूसरे साल से मिलेगी और यहां पर 100% नौकरी दिलाई जाती है। हम इस आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम ग्रांटेड प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि हम ग्रांटेड प्लेसमेंट्स की बात करें। हम उस तरह से बच्चे को तैयार करते हैं कि वो फ्यूचर में प्लेसेबल हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तो बद्दी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट हब फार्मास्यूटिकल हब है, इंडस्ट्री है, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट्स कंसर्न के अलावा, जो पेरेंट्स एक बच्चे को देखना चाहते हैं जब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, तो इसमें भी मैं आपको एश्योरेंस दिला रहा हूँ जो फैकल्टीज़ है वो हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है, ना कि एकेडमिक से, इंडस्ट्री से भी है। दूसरी चीज़, हम जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, हम केस बेस्ड लर्निंग सिस्टम बात कर रहे हैं। केस बेस्ड लर्निंग के सिस्टम की बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये जो थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिकल से इंटीग्रेट करते हैं। तो प्रैक्टिकल से इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बढ़ जाता है। है क्या डिफरेंस क्या है नॉर्मल एजुकेशन और एक प्रोफेशनल एजुकेशन में? कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का तब आता है जब उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है और वो अपने को इस तरह से तैयार करता है कि मार्केट में प्लेसेबल हो। हमारा जो मेन थीम ऑफ बद्दी यूनिवर्सिटी जो सेंटर फोकस थीम है वो है कैंपस टू कॉर्पोरेट कनेक्ट, यानी कि कैंपस में हम बच्चे को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो कॉर्पोरेट प्लेसमेंट है। दूसरी चीज़, अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं, अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सेंट्रलाइज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल एस्टैब्लिश किया है, और रिसेंटली हमने रजत जैन है जिन्होंने शार्क टेक इंडिया को विन किया है, वो भी हमारे कैंपस में है, और इसी लाइन ऑफ डायरेक्शंस में हम लोग और बहुत सारे कंपनीज के साथ हमारे एमओएस भी है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।